brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. तन्हा ना बैठ ये इबादत का तरीका है जो टूटा है बिखरा है खुद को समझ जो टूटा है बिखरा है खुद को समझ ये वो दौर है जहां कीमत लगाई जाएगी हर एक आंसुओं की देखो एक बहुत बहुत बड़े आदमी ने कही एक बात मैं आपको बता दूं पहले कि उन्होंने कहा था कि कभी आंसू आए ना करण कभी आंसू आए ना तो खुद को समझ क्योंकि जब कोई आएगा तो तुमसे कीमत लगाएगा तो उसने मौका दिलवाया तो ये वो दौर है जहां कीमत लगाई जाएगी तेरे हर एक आंसुओं की इस अपनों के बाजार से खुद को बचा के देखो सबसे पहला कोई अगर आके आपको सहारा देता है वो अपना ही होता है लेकिन मैंने कहा ना खुद आंसू पोंछ लेना क्योंकि कभी ना कभी वो आपको जरूर कीमत बताएगा उसकी इन अपनों की महफिल से खुद को बचा के देख तू ना बन जाए मजाक कहीं मेरी तरह तेरा बहुत मजाक तू ना बन जाए मजाक कहीं मेरी तरह खुद की तकलीफों को खुद में समेट हर आंसू रख संभाल कर ये मेरा मशवरा भी है ध्यान रखना कि हर आंसू रख संभाल कर इन आंसुओं से महफिल सजा के दे हर आंसू से महफिल सजा के दे बन जाए दर्द हुनर तेरा बन जाए हर दर्द हुनर तेरा जिस दर्द को पन्नों पे उतार कर कुछ बोलना भूल गया मुझे कुछ याद आ गया मैं नाम नहीं लूंगा उसका जिसने मुझे लिखना सिखा दिया तीन पीढ़ियों से लिख रहे तीन पीढ़ियों से उनको मौका नहीं मिला था एक तो अपने को नहीं मिलता ये मेरी पहली शायरी है पहली शायरी से उतनी ही मोहब्बत अपने जितनी उस बंदी से मिली अच्छी लगे बहुत सिंपल लिखने की कोशिश करते भाई अपन हार्ड वाला पढ़ना है तो पेज पे आना भाई पेज पे अब इस तरह जीने में रखा क्या ये वो दौर था जब वजह घूम गई थी ये वो दौर था जब वजह घूम गई अब इस तरह जीने में रखा क्या है कि तू पूछता है कि मेरी वजह क्या है अगर इजाजत हो तो कुछ दर्द अपना पन्नों पे लेके आया अगर मौका मिले तो उतारो अगर आप कहें तो उतारो तो इसके पीछे की थोड़ी कहानी जाननी है कहानी हर एक शायर की जान होती है जो मैंने सीखी है बताया वो फोन करती है मुझे कभी भी लेकिन मोहब्बत करेंगे तो राधा जैसी हमें ब्रेकअप ब्रेकअप के बाद में जिंदगी जीनी नहीं आती पता है तो उसका फोन आता है और मैं एक ऐसी मोहब्बत में था जब हम दोनों मोहब्बत करते थे एक दूसरे से बहुत से ऐसे आशिक होंगे जिनको मजबूरियों ने मारा मजबूरियों ने खत्म कर दिए तो टाइटल ये था क्यों आज परेशान सी थी किससे सुनकर मेरी जुबान में हैरान सी वो गुम थी कहीं भी नहीं पाते थे वो गुम थी सारी बिखरी जा रही है वो पूछती है कैसे मेरी इतनी सदाओं को तू यूं ही माफ कर दिया वो पूछती है कैसे मेरी इतनी बेवकूफ सादगी से सर मेरा सबसे बड़ा हुनर यही था कि मैंने उसको माफ कर दिया जाने माना किस मिट्टी का तू उसका सवाल था जाने माना किस मिट्टी का तू
मेरी सारी बुराइयां खुद में समय चुप सा रहेगा। करता जो तारीफ अब क्या है कि मैं उसे कभी मॉडल डाउन नहीं करना चाहता कि तूने कुछ गलत किया, तो मैं उसे हमेशा तारीफों में रखता हूँ जिनके पास है ना, क्योंकि मैं राधा हूँ वो कृष्ण है। मेरी बात रिलेट करोगे आप? करता जो तू तारीफ अब जाने क्यों बुरा सा लगता है, वो कहती है करता जो कृष्ण में राधा सा कृष्ण चल गया। पहला ऐसा शायर होगा जो खुद ही सुना रहे, खुद के कांटे उठ रहे हैं। अनजाने में बनी कृष्ण में राधा सा तू सत्संग किया, तू ना बदला इतने पर तू, मैं नहीं बदला ना, तुम बदलना कभी प्रिय भाई से, कभी बदलना मत किसी के लिए, उसी इंसान से जाकर करते ना जिससे तुम करते हो, चाहे तुम्हारे साथ है या नहीं। तू ना बदला इतने पर भी जाने कैसा मुझसे प्रेम किया, वो कहती है ना समझ पाया था दुनिया ने राधा कृष्ण को, कभी कहां समझा लोगों के प्रेम को, बोलते कभी अधूरा किया कभी कुछ किया। वो कहती है कर तो ले सॉरी, वो कहती है ना समझा था दुनिया ने राधा कृष्ण को कभी, तो कैसे मुकम्मल होगा इश्क तेरा, कहा था उसकी जबान पे बैराज गई थी सरस्वती उसने। तो यहां तक उसने कह दिया मेरी बारी थी, और जिस कारण से हुआ था उनको बताना है कि उनने जो किया वो शायद गलत था। तो सुन ले वो सभी जो मानते हैं मनाते हैं जश्न मेरी अधूरे इश्क का, जो मानते हैं सब तवज्जो चाहिए, जो मनाते हैं सभी जश्न मेरी अधूरे इश्क का। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे को तोड़ने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जोड़ने में नहीं। जवाब मेरा उन्हें है, उन्हें गिरा दूंगा। तो सुन ले दुनिया है कि लिखा है कुछ मैंने जो सुना, जो मंदिरों में पूजे जाते हैं अधूरे प्रेम वाले। तवज्जो चाहोगा सब, और अगर अच्छी लगे ना तो ताली जरूर बजाएगा। जो मंदिरों में पूजे जाते हैं अधूरे प्रेम वाले, मुझे सुनूं इश्क हमारा मुकम्मल,